I am glad, मैं खुश हूँ, that के I have got a taste, मैंने taste, जायका लिया है, of what the real world, के असल दुनिया क्या है, has to offer, जो पेश कर चुकी है, कहता जो दुनिया मुझे हकीकत को पेश कर चुकी है, मैं उसका जायका चख चुका हूँ, मुझे उसके बारे में पता लग चुका है। I have learned, मैं सीख चुका हूँ, many lessons, बहुत से सबक, मैं बहुत से सबक सीख चुका हूँ, from my public high school, मैं अपने public high school के अंदर बहुत सारे सबक सीख चुका हूँ। Boarding school, boarding school का दोबारा उसने तज़किरा किया है, boarding school में, and work experience, और काम के तजर्बात में उसने कहा मैंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की है, बोर्डिंग स्कूल में, पब्लिक हाई स्कूल में, और साथ काम के तजर्बा से। आई एम नाउ रेडी, अब मैं तैयार हूँ लर्न, सीखने के लिए, मैनी मोर लेसन, बहुत से और असबाक सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अब बहुत से और असबाक जो है वो सीखने के लिए तैयार हूँ। थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस, कॉलेज के तजर्बा से, तो पहले कहते हैं मैंने स्कूल के तजर्बा से जो चीज़ें सीखी हैं, अब उसके सीखने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें स्कूल के तजर्बा से सीखने जा रहा हूँ, और वहाँ से अब मैंने उसके लिए तैयार हूँ, वहाँ के तजर्बा, वहाँ का नॉलेज वो गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए अब मैं तैयार हूँ, मज़ीद इलम हासिल करने के लिए। आठ अगस्त, इट हैज़ बीन टफ, ये मुश्किल रहा है, उसने कहा ये मुश्किल जो होगा ये वाला काम, ये मुश्किल रहा है, आई हैव सक्सीड सो फार, और मैं ऐसे ही कामयाब हो गया, मैं ऐसे ही कामयाब होता गया, ले चीज़ें मुश्किल है उसने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कामयाबी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, मैं कामयाब होता जा रहा हूँ। आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार कर चुका हूँ टू एक्सेल, एक्सेल का मतलब शानदार करने के लिए, मैं अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए तैयार कर चुका हूँ, कि मैंने अपने आप को बेहतरीन बनाना है ताकि कोई कमी ना रहे, तो उसने कहा उसके लिए मैं तैयार कर चुका हूँ। एंड मेक इट मच फर्दर इन द इयर्स टू कम विद माई, एंड फर्दर मजीद इन द ईयर, जो साल टू कम आएंगे, विद माई कॉलेज एजुकेशन, जो मेरी कॉलेज की तालीम के अंदर जो मजीद साल आएंगे, तो मैं उसमें शानदार होने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका हूं। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव, ये बढ़ता हुआ मुस्बत, दिस ये डेवलपिंग बढ़ता हुआ पॉजिटिव मुस्बत आउटलुक, नुक्ताए नजर, हैज गिवन मी, मुझे दे चुका है द मोटिवेशनल, जोशो खरोश, तहरीक, जोशो जज्बा, मोटिवेशन का होता है कोई तहरीक दे देना, और तहरीक से बेहतर वर्ड है जोशो खरोश देता है, मोटिवेशनल लेक्चर कहा जाता है, मोटिवेशनल का मतलब आपको कोई ऐसी बातें बताना जिसके अंदर आपके अंदर से कुछ जोश निकले, जनून निकले कुछ करने के लिए, फिर आप लोग वेट ना करें बल्कि करने के लिए कूद पड़े जरा, तो कहते हैं मोटिवेशन, जो मोटिवेशन, तहरीक, जोश और जज्बा, दैट आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत है टू बिकम सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए, कहते हैं कामयाब होने के लिए बंदे को मोटिवेट होना चाहिए, उसके अंदर ये जज्बा करने का, ये जोश, ये बलबला, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। आई नेवर गिव अप, मैं कभी तरक नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आई नेवर, कभी नहीं गिव अप, मैंने कभी नहीं तरक किया, मैं कभी नहीं छोड़ता, वेन जब हैज गिवन, वेन जब आई एम डिटरमाइंड, जब मैं इरादा कर लूँ टू अचीव, हासिल करने का, कहता अगर मैं कुछ चीज़ हासिल करने का इरादा कर लूँ तो फिर मैं उसको तरक नहीं करता, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। आई शूट, मैं मिलाता हूँ फॉर द मून, चांद को, एंड लैंड और जमीन को, आसमान और जमीन को, अमंग द स्टार, जो सितारों के दरमियान, तो कहते हैं जब मैं वो इरादा कर लेता हूँ तो वो चीज़ चाहे आसमान और
जमीन ये सितारों के दरमियान में जो जमीन और आसमान है, तो कहते हैं इसको मैं मिला देता हूँ, इतनी मेहनत करके अपनी चीज को हासिल कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ का, व्हाट हैज मोटिवेटेड द ऑथर, कहते हैं क्या चीज मोटिवेटेड उसको जोश खरोश दिलाती है ऑथर को टू पार्टिसिपेट हिस्सा लेने में, सो एक्टिवली इतने एक्टिवली इतने जोश से हिस्सा लेने के लिए, कौन सी चीज उसमें ये तहरीक पैदा करती है, जोश पैदा करती है, द अर्ज ख्वाहिश फॉर सक्सेस कामयाबी की। कहते हैं ये जो एक्टिवली बड़ी चुस्ती के साथ चीज़ों के अंदर वो कामयाब होता है, तो उसकी वजह क्या है, कहते हैं उसकी वजह ये है कि अर्ज ख्वाहिश है फॉर सक्सेस के, कामयाब होने की ख्वाहिश है। जब आपने ये ठान लिया है कि मैंने कामयाब होना है, तो फिर आपके लिए कोई भी मौसम, कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती, कोई गर्मी, कोई सर्दी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई डेथ, किसी तरह की कोई चीज़ रुकावट है नहीं बन सकती, अगर आपने ये ख्वाहिश की है कि मैंने कामयाब होना है और हर सूरत में होना है। मोटिवेटेड हिम, जो उसे जो जोश दे चुकी है तो पार्टिसिपेट हिस्सा लेने के लिए इन डिफरेंट एक्टिविटी मुख्तलिफ सरगर्मियों में, सो एक्टिवली बड़ी होशियारी के साथ एक्टिवली सरगर्म होकर, तो कहते हैं जब उसने कामयाबी की ख्वाहिश की है तो फिर उसने मोटिवेट होकर और एक्टिवली बड़े जोश के साथ चीज़ों को लेकर उसमें हिस्सा लेगा और कामयाब होने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। जी समझ आ गई होगी।